हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि YT स्टूडियो कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ ऊपर आपका यहाँ चैनल का नाम और यहाँ आपको सब्सक्राइबर बताएगा, उसके बाद यहाँ एनालिस्ट बताएगा, उसके बाद आपका यहाँ लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस बताएगा, और उसके बाद आपको नीचे में यहाँ वीडियो का जो भी वीडियो आप अपलोड किए हैं वो सारा देख सकते हैं, और नीचे में रिसेंट में जो कॉमेंट आया है वो आपको बताएगा। तो इसका मेन फीचर ऊपर है। तो आइए एनालिस्ट में देखते हैं। तो उसको व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में आएगा ओवर व्यू। तो आपको यहाँ रियल टाइम व्यूज, यानी जो आपको 48 घंटे में व्यूज आया है वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने बजे कितने दिन में कितना व्यूज आया है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ रियल टाइम व्यूज, जिसमें टॉप वीडियोज, जैसे ये मेरा एक दिन में 410 ये सारा आ रहा है। उसके बाद यहाँ आ जाता है वीडियो, वीडियो हो गया व्यूज, यहाँ 28 दिन में 17,557 व्यूज गया है। उसके बाद आपको यहाँ वॉच टाइम आवर, यानी एक हफ्ते में 53,000 व्यूज गया है, 53 के व्यूज गया है। उसके बाद सब्सक्राइबर, यहाँ 37+ सब्सक्राइबर है। उसके बाद आता है रीच, तो आपको यहाँ इम्प्रेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे और सारे फंक्शन मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऊपर से आप किसी भी अकाउंट को लॉगिन फिर से कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।